गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जैसे कि मैं तुम लोगों को समझा रही थी चैप्टर 5 मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, तो इसमें मेमोरी पार्ट का ऑलमोस्ट हम लोगों का खत्म हो चुका है। एक टॉपिक है जो कि है क्या हम लोग मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या मेमोरी को इम्प्रूव करना पॉसिबल है, अगर है तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मेमोरी जो है ये कभी कभी बोला जाता है ये हम लोगों में इनहेरेंट, मतलब ये हम लोगों का इनहेरेंट क्वालिटी है, मेंटल क्वालिटी है, जो क्या होता है हम लोगों में ऑलरेडी रहता है, इसको इम्प्रूव करना इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ मेथड्स है, कुछ कंडीशंस है जिसको यूज करके हम लोग थोड़ा उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मेमोरी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लर्निंग, तो लर्निंग मतलब कुछ भी चीज सीखना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस, मतलब हम लोग जब एक चीज सीखेंगे उसको बार बार रिपीटेडली पढ़ेंगे तभी क्या होगा, हम लोग का मेमोरी इंप्रूव होना उसका चांस भी है। तो इसे बहुत सारा मेथड्स और कंडीशंस है जिससे हम लोग अपना मेमोरी जो है थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या क्या कंडीशंस है जिससे हम लोग वो कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी जो है वो मेनली हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं मेनली रिपीटेशन से। मेन इसका है रिपीटेशन, अगर हम लोग रिपीट नहीं करेंगे तो इसका इम्प्रूवमेंट कभी भी मतलब पॉसिबल नहीं है मेमोरी का इम्प्रूवमेंट करना। जैसे कि हम लोगों को पता ही है मेमोरी क्या है, एक मेंटल एक्टिविटी है, ये एक एक्टिविटी है, मेंटल पावर नहीं है। एक्टिविटी मतलब उसमें हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा। वो एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिविटी है फर्स्ट हम लोग को सीखना पड़ेगा और उसके बाद उसको रिपीट करना पड़ेगा। अगर हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, अगर कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हम लोगों का मेमोरी क्या हो जाएगा, और भी डल हो जाएगा, हम लोग उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इससे बहुत सारे कंडीशंस है जिससे हम लोग अपना मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो क्या क्या है, देखो फर्स्ट जो कंडीशन है, पॉइंट है, वो है विल टू लर्न। मेमोरी को इम्प्रूव करने का एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है विल टू लर्न, मतलब सीखने का जो हम लोग चाहते हैं, इच्छा है हम लोगों के मन में। अगर वो इच्छा हम लोगों में है, अगर हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको याद भी रख पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर तुम लोग याद क्यों नहीं रख पाते हो, क्योंकि तुम लोग खुद से वो सीखना नहीं चाहते हो, वो फोर्सफुली किया जाता है, इसलिए तुम लोग भूल जाते हो। देखना, कोई भी चीज तुम लोग जिसको याद कर पाते हो, याद रख पाते हो, वो क्यों रख पाते हो, क्योंकि वो बात, वो टॉपिक तुमने खुद से सीखे है, खुद मतलब उससे इंटरेस्ट देके, उसको समझ के तुमने वो सीखा, इसीलिए तुमको वो याद रहता है। तो वो ही है विल टू लर्न। और तुम लोग के नोट्स में देखने एक लाइन है कि विल टू लर्न मतलब हाफ बैटल जीत जाना, मतलब कोई भी बैटल या स्ट्रगल हम लोग जब करेंगे, तो जब हम लोग रेडी रहेंगे करने के लिए, तभी बोला जाता है कि वो हम लोग हाफ मतलब हाफ जीत गए, लड़ाई आधा जीतना बोला जाता है जब हम लोगों का वो लड़ने का मन हो। क्योंकि अगर हम लोग लड़ेंगे नहीं, बैटल नहीं करेंगे, तो उसमें जीतने का कोई चांस ही नहीं है। जब हम लोग लड़ना चाहेंगे, मतलब क्या, हम लोगों के अंदर वो एक मतलब मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों को जीतने के लिए, और इसलिए बोला जाता है कि विल टू लर्न का मतलब है वो हाफ बैटल जीत जाना। ठीक है, जब तुम लोग कुछ भी चीज सीखने के लिए चाहोगे, कुछ भी टास्क सीखना चाहोगे खुद से और सीखोगे, तभी तुम लोग मेमोराइज वो कर पाओगे, माइंड में स्टोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट है विल टू लर्न, मतलब खुद से वो कोई भी टॉपिक, कोई भी टास्क जब तुम लोग खुद से सीखना चाहोगे, तुम लोगों का रेडी रहेगा माइंड और उसको सीखोगे, तभी तुम लोग उसको मेमोराइज कर पाओगे, मेमोरी में रख सकोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है इंटरेस्ट। तो एक बात देखना, और तुम लोग जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में भी बोल चुकी थी, जो भी चीज तुम लोग याद कर पाते हो वो क्यों कर पाते हो, क्योंकि वो चीज तुमने जब माइंड में स्टोर किए थे, जब सीखे थे, तुमने वो इंटरेस्ट लेके सुने थे, या कोई भी इंसिडेंट तुमने फेस किए थे, वो तुम्हारे मन में स्टोर हो जाता है, जिसमें हम लोगों का
कोई इंटरेस्ट नहीं है वो हम लोग ना सीखना चाहते हैं ना सीखते हैं, और जब नहीं सीखेंगे अच्छे से तब उसमें मेमोरी का कोई बात आएगा ही नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट मेमोरी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हम लोगों का जिस चीज पे इंटरेस्ट होता है उसी चीज पे हम लोग पूरा कंसंट्रेशन देते हैं और वही चीज अच्छे से सीखते हैं और उसको लंबे टाइम तक हम लोग माइंड में स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन है इंटरेस्ट। याद रखना, इंटरेस्ट के बिना कुछ भी स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, कोई भी बात याद रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है वो हम लोग सिर्फ एक ही बार के लिए सुनते हैं, समझते हैं, इसके बाद उसको भुला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट होगा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या होता है कि जब भी कोई चीज या कोई टास्क तुम लोग सीखोगे और पीछे से कोई तुम लोग को मोटिवेट करेगा तब तुम लोग वो चीज थोड़ा अच्छे से सीख पाओगे कि कोई तुम लोग को पीछे से पुश कर रहा है, नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम में वो क्वालिटी है, तुम अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। तब देखना कि वो जो मोटिवेट कर रहे हैं उसके वजह से तुम्हारे माइंड में थोड़ा क्या होता है, हाँ मैं शायद कर सकते हो, इसी टाइप एक मतलब फीलिंग्स आ जाता है। तब वो चीज तुम ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो या सीख पाते हो और तभी तुम वो चीज याद रख पाओगे, क्योंकि तुमको वो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि मुझे हाँ ऐसे बोले थे पापा मम्मी या टीचर्स ने, मुझे मोटिवेट किए थे, इसके बाद मैंने वो सीखा था। मतलब ये पूरा इंसिडेंट तुम्हारा सामने आ जाएगा और उस मोटिवेशन के वजह से तुम जो टॉपिक सीखे थे वो भी तुमको पूरा याद आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है जैसे कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैम ये नहीं कर सकती, बहुत टफ है, ये लंबा है, हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं तुम ये कर सकते हो, इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं समझा देते हैं तुम लोगों को, नहीं तो जो जो तुम लोगों का प्रॉब्लम है उसको फिर से मतलब सॉल्व कर देते हैं या तुम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं कर सकोगे इतना, ये तुम पूरा आसानी से कर सकोगे, ये सब बोलने से भी तुम लोगों का माइंड रेडी हो जाता है वो चीज सीखने के लिए और तब वो चीज तुम लोग सीख पाते हो और माइंड में स्टोर कर पाते हो। इसीलिए बोला गया कि मोटिवेशन भी मेमोरी का मतलब इम्प्रूव करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है, जिससे हम लोग अपना क्या कर सकते हैं, माइंड में कुछ भी चीज जो स्टोर करते हैं वो ज्यादा टाइम तक हम लोग याद रख पाते हैं। ठीक है, लास्ट है, लास्ट कंडीशन जो है रेस्ट। रेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है मेमोरी के लिए। देखना कोई भी क्लास में हो, मतलब रिपीटेडली अगर तुम लोगों का क्लास हो रहा है, 5 मिनट भी गैप नहीं मिल रहा है, या 2-3 मिनट गैप के बाद एक क्लास खत्म हुआ फिर से एक शुरू हो गया, या तुम लोग जब एग्जाम होता है, तुम लोगों का आज एग्जाम है, शाम को और एक है, आफ्टरनून को पिछले दिन मॉर्निंग और एक है, तो ऐसे अगर होने से क्या होता है, अगर तुम लोग को रेस्ट नहीं मिलता है तो तुम लोग कोई भी चीज अच्छे से सीख नहीं पाओगे, क्योंकि जो हम लोगों का सीखने के दो चीज सीखने के बीच जो थोड़ा क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों के माइंड उसमें भी स्टोर करने के लिए कुछ मतलब लिमिटेड स्पेस है, हम लोग एक साथ बहुत सारा चीज मेमोराइज नहीं कर सकते एक ही टाइम में। ठीक है, इसीलिए सपोज तुम लोग एक क्वेश्चन आंसर सीखे हो, एक क्लास में जो दिया गया वो सीखे हो, इसके बाद तुम लोग को थोड़ा रेस्ट मिलना जरूरी है। रेस्ट के बिना हम लोग कोई भी चीज एक साथ बहुत सारा दे देंगे तो वो मेमोरी में नहीं रख पाओगे, याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो रेस्ट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, जब तुम लोग को रेस्ट मिलेगा, बीच बीच में थोड़ा तुम लोग खुद के लिए टाइम दे सकोगे, तब वो अच्छे से मेमोराइज कर पाओगे, तभी तुम लोगों का मेमोरी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये चार ऐसे बहुत सारा कंडीशंस है लेकिन तुम लोग को सिर्फ चार दिया गया है, तो इस चार कंडीशंस को तुम लोग क्या करोगे, अगर अप्लाई करोगे या खुद से भी देखोगे, हाँ ठीक ही है, ये सारा कंडीशंस क्या है, हम लोग का मेमोरी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये गए कुछ कंडीशंस। इसके बाद कुछ मेथड्स है, मेथड्स जो हम लोगों को क्या करता है, हम लोगों का मेमोरी को इम्प्रूव कर पाता है। तो मेथड्स क्या है, देखो जो मेथड्स हम लोग अप्लाई करके उसको मतलब मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ मेथड्स, तो ये सारा क्या कंडीशंस, डिफरेंस याद रखना।
ये चार है कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स, मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी। तो ये मेथड्स क्या क्या है देखना। तो फर्स्ट मेथड क्या है देखो, फर्स्ट मेथड है रिसाइटेशन मेथड। तो रिसाइटेशन मेथड मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज या कोई टास्क कोई टॉपिक सीखते हैं, अगर उसको हम एक रिदम पकड़ के पढ़ेंगे तो वो ज्यादा क्या होता है हम लोग को याद रहता है। उस रिदम को याद रखते रखते हम लोग को पूरा टॉपिक ही याद आ जाता है। देखना जब हम लोग नोट्स देते हैं तो उसमें जो फुल स्टॉप कॉमा ये जो होते हैं, अगर वो सारा हम लोग ठीक से देख के पढ़ते हैं तभी हम लोग को थोड़ा समझने में इजी होता है और क्या होता है वो याद भी रख पाते हैं। लेकिन नहीं तो क्या होता है, अगर तुम लोग कॉमा फुल स्टॉप बिना मतलब पूरा एक दो तीन लाइन एक साथ मिक्स करके पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तब भी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जब हम लोग कोई भी लिटरेचर में, ये सबसे एप्लीकेबल है लेकिन कोई भी सब्जेक्ट में, जब हम लोग एक रिदम पकड़ के रिसाइटेशन मेथड यूज करके हम लोग पढ़ेंगे कोई भी चीज सीखेंगे तो वो क्या होता है वो हम लोग के माइंड में इजीली स्टोर हो जाता है, उसका रिदम याद हो जाता है, तब हम लोग वो चीज थोड़ा ज्यादा टाइम तक हम लोग याद रख पाते हैं। ठीक है, तो रिसाइटेशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड है जिससे हम लोग अपना मेमोरी को क्या कर पाते हैं, इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक मेथड हम लोगों को मिला है होल मेथड। तो जैसे कि इसके बारे में तुम लोगों को पहले भी दिया गया है, होल मेथड मतलब जब भी कोई टॉपिक या टास्क हम लोग पूरा एक साथ पढ़ते हैं, जिस मेथड से पढ़ते हैं वो ही है होल मेथड। होल मेथड में हम लोग पूरा टास्क एक साथ सीखते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हम लोगों का उस टास्क का उस टॉपिक का एक टोटल पिक्चर हम लोगों को मिल जाता है कि वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो इंसिडेंट क्या हुआ, कहाँ खत्म हुआ, पूरा एक स्टोरी मिल जाता है हम लोगों को। वो क्वेश्चन आंसर्स हो या कोई भी टॉपिक हो तो उसका टोटल पिक्चर जब हम लोगों को मिल जाता है, हम लोग पूरा समझ लेते हैं कि कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, तो हम लोग वो ज्यादा टाइम तक याद रख पाते हैं और समझ भी पाते हैं। याद रखना, हम लोग अगर बिना समझ के पढ़े कोई भी चीज अगर हम लोग को समझ में ही नहीं आए तो वो चीज हम लोग ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है, वो लोग ज्यादा भूलते क्यों है, क्योंकि वो लोग बिना समझ के पढ़ते हैं, रट्टा मार देते हैं, तो इसीलिए वो याद नहीं रख पाता है। जब तुम कोई भी चीज सीख के उसका मीनिंग समझ के पढ़ोगे तब क्या होगा, वो चीज तुमको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तो होल मेथड भी सेम होता है कि होल मेथड पूरा एक टोटल पिक्चर हम लोगों के सामने लाता है और उससे हम लोगों को वो टास्क पूरा याद रहता है। ठीक है, जैसे कि इसका उल्टा जो है पार्ट लर्निंग। पार्ट लर्निंग में क्या होता है, जब हम लोग एक क्वेश्चन आंसर हो या कोई भी टॉपिक पार्ट पार्ट करके सीखते हैं तो उसमें क्या होता है देखना, फर्स्ट पार्ट जब तुम लोग सीखते हो तो सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट में क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन आंसर्स में क्या आंसर है तुम लोग को समझ में नहीं आता है। मतलब पार्ट लर्निंग में अगर एक पार्ट पढ़ के तुम लोग उठ के चले गए तो तुम लोगों को पूरा वो पता नहीं चलेगा कि पूरा क्वेश्चन आंसर्स क्या है, इसके बाद क्या है, तो एक टोटल पिक्चर नहीं मिलेगा, तब तुम लोगों को उतना आसानी से याद नहीं रहेगा जितना आसानी से हम लोगों का होल मेथड हम लोगों को समझा देते हैं, पूरा एक टोटल पिक्चर दे देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्पेस लर्निंग। स्पेस्ड मेथड बोल सकते हो। तो स्पेस्ड मेथड और ये जो रेस्ट बोली थी कंडीशन में, दोनों थोड़ा सिमिलरिटीज है। स्पेस्ड मेथड में क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज सीखते हैं उसको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। सपोज तुम लोग दो क्वेश्चन आंसर सीख रहे हो तो एक सीख के एकदम इमीडिएटली बाद और एक सीखोगे तो क्या होगा, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सीखे थे उसका थोड़ा तुम लोगों को बीच में याद आ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों को बीच बीच में थोड़ा स्पेस देना चाहिए। ठीक है, स्पेस
मेथड बोलते हैं कि हम लोग के माइंड में भी मतलब मेमोरी में भी एक लिमिट है याद रखने के लिए। वो अगर हम लोग ज्यादा वो कर लेते हैं मतलब ज्यादा चीज एक साथ दिखा देते हैं तो वो हम लोग समझ में नहीं आता हम लोगों को। जैसे कि जो हम लोग अल्फाबेट्स है 26 अल्फाबेट्स अगर पूरा जंबल करके तुम लोग के सामने में दिखाऊंगी तो सारा क्या तुम लोग याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, दो चार ही याद कर पाओगे क्योंकि ये पूरा एक साथ दे दिया तो हम लोग का माइंड में इतना वो नहीं है, लिमिट नहीं है कि पूरा जंबल 26 जो वो अल्फाबेट्स है उसको एक साथ देख के हम लोग मेमोराइज कर ले। तो उसमें भी थोड़ा स्पेस है, स्पेस देना चाहिए हम लोग के माइंड को। जैसे कि हम लोग कोई भी नया टॉपिक नई चीज याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का पुराना जो मेमोरी है उसको अनकॉन्शियस माइंड में रख देते हैं। कितना लंबा प्रोसेस है देखो, जब हम लोग कोई नया चीज मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उसका स्पेस हम लोग को कहाँ से मिलता है? जो पुराना हम लोग का मेमोरी है जो हम लोग के लिए यूजफुल नहीं है, अननेसेसरी है, उसको हम लोग अनकॉन्शियस माइंड में पुश कर देते हैं और वो जो जगह खाली हुआ, स्पेस हुआ, तो उसमें हम लोग नया जो चीज है वो मेमोराइज करते हैं, याद रखते हैं, माइंड में रखते हैं। तो माइंड में भी हम लोगों को थोड़ा स्पेस चाहिए थोड़ा कुछ याद रखने के लिए। तो सेम इसमें भी हम लोग जब भी कोई चीज सीखते हैं तो बीच में थोड़ा स्पेस देना चाहिए। स्पेस के बिना हम लोग मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हम लोग अगर ठीक से समझ नहीं पाते हैं तो हम लोग याद नहीं कर पाते हैं। इसलिए बोला गया कि स्पेस मेथड भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेथड है मेमोरी को इम्प्रूव करने में। लास्ट है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि है लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड का मतलब है जब भी हम लोग कोई चीज उसको प्रैक्टिकली करके कुछ एक्टिविटी करके सीखते हैं तो वो चीज हम लोगों को ज्यादा इजीली समझ में आता है। ठीक है, जैसे कि देखना प्रैक्टिकल जो नॉलेज हम लोगों को मिलता है, जो चीज हम लोग प्रैक्टिकली करके सीखते हैं तो वो चीज हम लोग के माइंड में इमेज फॉर्म कर लेता है और उसको हम लोग बहुत इजीली समझ जाते हैं जो भी हम लोग का प्रैक्टिकल क्लासेस है। लेकिन थियोरिटिकल नॉलेज हम लोगों को थोड़ा टाइम लगता है याद रखने के लिए। यहाँ पे इसलिए बोला गया कि लर्निंग बाय डूइंग, जब हम लोग कोई भी चीज सीखते हैं, जैसे कि थियोरिटिकल सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, सपोज तुम लोग का जब सेमिनार लेते हैं तो वो भी तुमने कुछ एक्टिविटी किया, उसका स्टेप वाइज जो पॉइंट समझाते हो, जो भी लोगों का मतलब अदर स्टूडेंट्स का जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको तुम लोग डायरेक्ट आंसर देते हो, तो वो जो एक्टिविटी है उससे भी अगर तुम लोग सीखोगे तो भी तुम लोगों का वो क्वेश्चन आंसर सीखने में क्या होता है, इजी हो जाता है, उसको मेमोराइज भी इजीली कर पाते हो। तो इसलिए बोला गया कोई भी चीज हम लोग जब करते हैं तो उसको हम लोग लर्निंग बाय डूइंग से अगर करते हैं, कुछ एक्टिविटी से करते हैं, वो चीज हम लोगों को ज्यादा याद रख पाते हैं। वो चीज जो तुम लोग प्रोजेक्ट करते हो कोई भी सब्जेक्ट पे, अगर हम लोग प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क से तुम लोग कुछ सीखे हो तो भी वो हम लोग क्या होता है, इजिली मेमोराइज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। तो ये गया मेमोरी का इम्प्रूवमेंट का कुछ मेथड्स और कंडीशन, डिफरेंस समझ में आया ना तुम लोग को? ये सारा है मेथड, ये मेथड यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये कंडीशंस, ये हम लोग खुद में ये कंडीशन रख के अगर टास्क करें या पढ़ें तो हम लोग मेमोरी को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अगर तुम लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए क्या हम लोग मेमोरी को इम्प्रूव कर पाएंगे मतलब पाते हैं, क्या मेमोरी का इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, तो आंसर होगा हाँ, मेमोरी इम्प्रूव हम लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ कंडीशंस और मेथड्स है जिससे हम लोग अपना मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा अलग कुछ वो नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है या कुछ भी चीज ऐसे ट्रेनिंग देगा तो हम लोग का मेमोरी इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से हम लोग का मेमोरी इम्प्रूव होता है। और ये सारा कुछ कंडीशंस और मेथड्स है जिससे हम लोग का मेमोरी इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं फिर से थोड़ा बोल देती हूँ, कंडीशंस में हम लोग को मिला था विल टू लर्न। तो जब हम लोग कोई भी चीज सीखने का मन करते हैं, वो विलिंगनेस हम लोगों के माइंड में आ जाता है,
तभी वो चीज हम लोग इजीली सीख पाते हैं और याद भी रख पाते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में और मेमोरी में भी, क्योंकि जिसमें हम लोग का इंटरेस्ट नहीं है वो हम लोग कभी लर्न नहीं कर पाते हैं, और जब लर्निंग ही नहीं होता है तब उसमें मेमोरी का सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। जब भी कोई चीज हम लोग मोटिवेशन से या वो एनकरेजमेंट जो मिलता है हम लोगों को उससे अगर हम लोग सीखते हैं तो वो भी हम लोग का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस कर जाता है और वो ज्यादातर हम लोग को मतलब याद रखने में इजी हो जाता है। नेक्स्ट है रेस्ट। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज ज्यादा चीज एक साथ सीख लेते हैं तो बीच में रेस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना रेस्ट के अगर हम लोग पूरा दिन कुछ भी काम कर रहे हैं या कुछ भी टास्क सीख रहे हैं तो वो क्या होगा, लास्ट में देखना ज्यादातर तुम भूल जाओगे क्योंकि तुमको रेस्ट नहीं मिला, ठीक है, बोर लग जाएगा तब, ठीक है। इसीलिए बोला जब भी कोई टास्क या कोई भी टॉपिक हम लोग सीखते हैं बीच में थोड़ा रेस्ट होना जरूरी है। तो ये सारा कंडीशंस मेथड्स में मिला हम लोग को। रिसाइटेशन मेथड मतलब एक रिदम पकड़ के उसको अगर पढ़ते हैं समझते हैं तो वो याद भी इजीली रख पाते हैं। नेक्स्ट है होल मेथड, मतलब पूरा चीज अगर हम लोग एक साथ पढ़ते हैं तो उसका एक टोटल पिक्चर हम लोग के सामने हो जाता है तो हम लोग वो याद रख पाता है। नेक्स्ट है स्पेस प्लानिंग। तो जब भी कोई चीज सीखते हैं उसके बीच थोड़ा स्पेस होना चाहिए, थोड़ा जगह देना चाहिए ताकि हम लोग वो नया चीज स्टोर कर पाए। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी चीज हम लोग प्रैक्टिकली या एक्टिविटी से कुछ चीज जब हम लोग सीखते हैं तो हम लोग वो ज्यादा इजीली मेमोराइज कर पाते हैं। तो ये सारा गया जिससे हम लोग अपना मेमोरी को इम्प्रूव कर पाते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग का जैसे भी मेमोरी है वैसे ही हम लोग का हमेशा रहेगा, नहीं, ये सारा यूज करके हम लोग अपना मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तुम लोग अप्लाई करना तो तुम लोग का मेमोरी इम्प्रूव होगा और तुम लोग बेटर रिजल्ट कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही इजी है, आज सिर्फ कंडीशनर मेथड ही, ठीक है। तो नेक्स्ट